यह सच है कि राजीव गांधी ने 1987 में विरासत कर को रद्द कर दिया था। शायद विरासत कर को बचाने के लिए कांग्रेस के लिए एक और हानिकारक सत्य, राहुल गांधी चुनाव के समय इस घोषणा के लिए सैम पित्रोदा को कोस रहे होंगे। प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।